कृषि में सुधार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ऑनलाइन चिंतन बैठक आयोजित की। बैठक का संचालन भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने किया। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अटल और मोदी सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। उन्होंने साथ ही बोला कि देश की 80% आबादी खेती पर निर्भर करती है, लेकिन आज गाँव के किसानों की हालत ख़राब है। मरांडी ने कहा कि जब मैं बच्चा था तो गाँव की हालत देखकर आंसू बहाता था। खेती और किसानी को बढ़ावा देने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने कभी किसानों की चिंता नहीं की। जब जब देश में भाजपा की सरकार बनी, तब तब गाँव को शहरों से जोड़कर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सड़क निर्माण का कार्य किया गया, ताकि फसलों को बाजार तक सही सलामत पहुँचाया जा सके। गाँव को शहर से जोड़ने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम सड़क योजना की शुरुआत करके खेती को विकास की गाड़ी से जोड़ने का काम किया था। 2014 से अब तक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार गाँव को आगे बढ़ाने का काम करके सड़कों का जाल बिछाया है। इसका मकसद यही है कि किसानों की फसल सही तरीके से और समय पर बाजार में पहुँच सके। फिलहाल किसानों के आंदोलन के बीच इस तरह से किसानों के हितों की बात करना कितना जायज़ है, ये तो पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ही बता सकते हैं। ITP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।